आज तक YouTube में पहली बार, मतलब आज से पहले ये ऐसी वीडियो आपको कभी देखने को नहीं मिली होगी। गारंटी देता हूँ, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ, जो बिजनेस, जो प्रॉफिट, जो लाखों करोड़ों की कमाई होने वाली है, आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा। अगर आपको ऐसी वीडियो अगर सच में आपने कभी देखा है YouTube पे, तो इस वीडियो को अभी के अभी डिसलाइक मार दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने ऐसा नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ क्या उस बात को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर मेरी बात कैसी है, मतलब सुनने लायक है या नहीं सुनने लायक है। आप इसको कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं जो आप बताने जा रहा हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, चाहे कोई भी जानवर है, कोई भी जीव है, भैंस है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, हर किसी को प्रकृति ने जन्म दिया है और यहीं पे वो पैदा होता है और उसका भी हक है जीना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपने थोड़ी सी लालच के चक्कर में, मैं सुनिएगा पहले पूरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बाद से आप मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर डिसलाइक कीजिएगा। पहले पूरी बात को आप समझिएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अपने लालच के चक्कर में हम किसी की जीव हत्या कर देते हैं, उस बकरी को सर को काट देते हैं, उसको धड़ से अलग कर देते हैं और उसको बना करके खा जाते हैं, ठीक है, सिर्फ अब सिर्फ अपने लालच के चक्कर में। लेकिन जरा सा 2 मिनट शांति से, बिल्कुल आराम से बैठ करके सुनिएगा और सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आज से पहले आपको कभी सुनने को ऐसा बात नहीं मिला होगा। ये कोई पागल ही बोल सकता है, जैसा कि मैं हूँ। कुछ लोग होंगे जो मुझे पागल समझ रहे होंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ज़रा सा माइंड लगाइए। क्या यदि बकरी का सिर नहीं काटे हम, बकरी की हत्या ना करें, तो क्या हमें प्रॉफिट नहीं होगा? क्या हमें प्रॉफिट नहीं होगा? क्या हम ये बकरी का बिजनेस करने के लिए बना है? क्या गाय भैंस ये बिजनेस सर काटने के, मतलब काट करके बेचने के लिए ही बने हैं? ये प्रकृति ने उनको जन्म सिर्फ काटने के लिए दिया है? जरा सोचिए, जरा सोचिए। क्या हम भैंस पालते हैं, भैंस को अपने घर पे रखते हैं, उसको सर काटने के लिए या दूध खाने के लिए, या फिर एक और बच्चा पैदा करने के लिए? उसका भैंस का बच्चा फिर होता है, फिर उसका हम जब उसका शरीर होता है तो फिर वो भी दूध देती है, देती है कि नहीं देती है? इससे उसकी जनसंख्या बढ़ती है और पैसे भी बढ़ते हैं आपका। 25 का 50, 50 का लाख होता कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अगर होता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ, और बात सुनिए, अभी बाकी है। देखिए, ठीक वैसे ही मैं चाहता हूँ, मेरी मर्जी है, ये कोई मुझे बताया नहीं है, ना ही मैं कुछ समझाया है। मेरे को लगता है, मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों नहीं यार कुछ हम ऐसा करें कि जो बकरी है यार, कुछ ऐसा करें कि उसका भी तो दूध निकलता है ना, उसकी भी दूध की तो दवा बनती है। कभी कभी जो हमारे हृदय रोग होते हैं, जिससे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, बकरी के दूध पीने वाले इंसान को हार्ट अटैक ठीक होता है। मैंने ऐसे काफ़ी जगह सुना है, काफ़ी लोग बताते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पुराने हैं, कि बकरी के दूध हड्डी को, जितनी ये हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, ये उंगली या चाहे शरीर की कोई भी हड्डी हो, ये सब ताकतवर होती हैं, मोटी होती हैं, जिसमें शरीर में एकदम एनर्जी और जान होती है। तो क्या हम बकरी का दूध सेल नहीं कर सकते, बकरी का दूध पी नहीं सकते? यार स्मेल, काफ़ी लोग होंगे जो कहते होंगे कि बकरी के दूध से स्मेल आती है। मैं नहीं मानता स्मेल आती है, स्मेल तो भैंस के दूध से भी आती है, स्मेल तो मतलब हर चीज़ के दूध से आती है। लेकिन किसी दूध को आप स्मेल क्यों बोलते हो ना, क्यों स्मेल बोलते हो? आप उसको स्मेल ना बोलो ना, आप तो उसको खुशबू बोल सकते हो। क्यों? दवाई, जो दवाई हम लोग खाते हैं, जो दर्द की दवाई खाते हैं या किसी भी चीज़ की कोई भी दवाई खाते हैं, तो वो क्या मीठी लगती है? कड़वी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम उसको कड़वी लगती तो नहीं खाते हैं? अगर हमें ठीक होना है तो उस दवाई को खाना पड़ेगा कि नहीं खाना पड़ेगा? ठीक वैसे ही अगर ये दूध हमें फ़ायदा करता है, अगर ये दूध से हमारे दिल, दिमाग, मस्तिष्क, शरीर सब कुछ ठीक रहता है, तो इसको हमको खाने में क्या बुराई है? तो यार एक जीव को बचा सकते हैं हम। समझिएगा बात को मैं क्या बोल रहा हूँ, जो अच्छा दिमाग वाला होगा वो बंदा वही समझ पाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ठीक वैसे ही अगर आप बकरी को पालते हैं, तो सिर्फ उसको काटने के लिए नहीं, उसको कुछ ऐसा कीजिए कि वो दूध दे और उसको दूध पी करके उसको दूध को सेल कीजिए। खरीदने वाले हैं ना, नहीं समझते आप, किसी डॉक्टर के पास जाइए, उनसे पूछिए कि क्या बकरी का दूध फायदा करता है। अगर वो कहते हैं हाँ, तो उनसे आप संपर्क कीजिए कि मेरा दूध को सेल करवाइए, निश्चित ही आपका दूध भी सेल होगा। आपकी बकरी का जो जीव है वो एक हत्या करने से पाप आप बच जाएंगे, आप पाप के भागीदारी नहीं होंगे। तो थोड़ा सा माइंड लगाइए।
और सोचिए, और अगर मेरी बात सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपका क्या राय है, आपका मतलब दिल में क्या थॉट है, क्या आपके मन में चल रहा है, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है इस बात को लेकर के जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर मेरे सपोर्ट में है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या मैं अगली टॉपिक पे एकदम बिल्कुल बढ़िया मतलब बेहतरीन बारे में हर एक क्वेश्चन का आंसर लेकर के, जो भी आपका मन में क्वेश्चन है आप कमेंट कीजिए और क्वेश्चन जो भी आपका है कमेंट कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं हर एक सवालों का आपका जवाब दे सकूं। और जितने लोग सहमत हैं प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ आप बकरी जो भी मेरी माँ के समान होती हैं यार, वही तो दूध देती है ना, उसका भी दूध तो हम पी सकते हैं, उसका भी दूध हमारी सेहत को फ़ायदा देता है। मेरे दिमाग में ये थॉट आया इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ कि मेरी प्रयास है कि जितने भी जीव हैं इस दुनिया में, इस धरती पे, सबकी रक्षा हो। हर किसी का जीने का हक है, ऊपर वाले ने सबको पैदा किया है, इस दुनिया में भेजा है, तो सिर्फ यार हम उसको काट करके खाने के लिए, क्या सिर्फ बकरी काट कर खाए जाने के लिए पैदा होती है? नहीं यार, नहीं, ज़रा सा दिमाग लगाइए, उसको आगे की तरफ सोचिए, जो खा रहे हैं उसको खाने दो यार, उसको समझ नहीं है? अगर आप सच्चे इंसान हैं, भक्त हैं, भगवान के, अल्लाह के, जो भी मतलब एक सच्चे आदमी हैं, आप जानते हैं कि हर जीव में जीव होता है, हर किसी का जीना हक है, तो आप मेरी बात को समझेंगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ। ये हालात कपड़ों में मत जाइए, ये शक्ल पे मत जाइए, क्योंकि इसी मस्तिष्क से पता नहीं क्या क्या हो जाता है और इसी मस्तिष्क से इंसान कहाँ का कहाँ चला जाता है। तो आप मुझे पागल समझते हैं या सही इंसान समझते हैं, समझिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर विचार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर दोबारा ये ऐसी एक वीडियो चाहते हैं दर्दनाक, मतलब पूरा डिटेल में जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है, उसका दूध कहाँ सेल करेंगे, उसके जो बच्चे खसी होते हैं उसको क्या करेंगे, सारा डिटेल्स में चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पे आपको ला के दूंगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।